Hare Krishna, dear students, welcome to Avanti School of Excellence. How are you all? I hope you all are fine and safe. I am Bhavya Shukla, your Vedic education teacher, and today I am going to tell you the story Bogus Sadhu. Let's start the story. Once a bogus saint came to a village. Ek bar ek bogus sadhu ek gaume aya. ही वॉज अ बिग चीटर वो बहुत बड़ा धोखेबाज था दिलेज लीडर केम टू सी द साधु गांव का मुखिया उस साधु से मिलने आया नमस्ते हाउ कैन आई हेल्प यू साधु ने पूछा नमस्ते मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ मुखिया ने कहा फॉर लास्ट सेवरल मंथस देर आर मैनी केसेस ऑफ स्टीलिंग इन अवर विलेज कुछ महीनों से हमारे गांव में चोरी के बहुत से केसेस हो रहे हैं आई एम फियरिंग दैट दे आर गोइंग टू रॉब माई हाउस और मुझे डर है कि वे मेरे घर में भी चोरी करेंगे देयर फोर आई हैव कम विद ऑल माई वेल्थ टू हाइड विद यू इसलिए मैं अपनी सारी संपत्ति आपके पास छुपाने लेकर के आया हूँ साधु ने कहा श्योरली यू कैन हाइड ऑल योर वेल्थ विद मी प्लीज़ इट नेक्स्ट टू दिस ट्री अवश्य तुम अपनी सारी संपत्ति मेरे पास छुपा सकते हो इसे इस पेड़ के बाजू से दबा दो आ, साधु ने सोचा आई मे लिव अ गुड लाइफ विद दिस वेल्थ मैं इस संपत्ति के साथ एक अच्छा जीवन भी जी सकता हूँ After some day the the saint visited the villagers house. कुछ दिनों बाद वो साधु उस गांव के मुखिया के घर गया साधु ने कहा नमस्ते विलेजर ने भी कहा नमस्ते वॉट ब्रिंग्स यू हियर आप यहाँ किस लिए आए हैं साधु ने कहा आई हैव कम टू से गुड बाय साधु ने कहा मैं आपको गुड बाय कहने आया हूँ विलेजर ने कहा वाई आर यू लिविंग आप क्यों जा रहे हैं साधु ने कहा यू शो यू नो आई एम अ साधु सो आई एम नॉट अटैच टू एनी प्लेस और पर्सन तुम जानते हो कि मैं एक साधु हूँ और इसलिए मैं किसी भी स्थान या किसी भी इंसान से अटैच नहीं हूँ मैं अपना स्थान बदलता रहता हूँ द विलेजर विट फेयरवेल उस गांव वाले ने साधु को विदा किया साधु सोचने लगा आई शुड डू समथिंग सो दैट दिस विलेजर्स कैन हैव फेथ इन मी एंड दस आई कैन स्के विद ऑल द वेल्थ मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये गांव वालों को मुझ पर विश्वास हो जाए और मैं सारी संपत्ति लेकर के भाग सकूं। He took a small piece of a stick from the roof and put on his head. उसने एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा छत से तोड़ा और अपने बालों में फंसा लिया When I left the place I found some piece of wood stuck on my head so I came back to return it because it does not belongs to me साधु ने वापस जाकर उस मुखिया से बोला कि जब मैं जा रहा था तो मैंने अपने बालों में लकड़ी का टुकड़ा फंसा हुआ पाया इसलिए मैं इसे तुम्हें वापस करने आया हूं क्योंकि ये मेरा नहीं है। इस प्रकार साधु अपने आप को ईमानदार बताने की कोशिश कर रहा था देर वॉज हु नॉज लिस्निंग ऑल दिस एंड ही बिकेम सस्पिशियस वहाँ पर एक दूसरा गांव वाला था जो ये सब बातें सुन रहा था और उसे साधु की ईमानदारी पर संदेह हुआ डिड यू गिव एनी थिंग वैल्यूएबल टू कीप विद साधु उस गांव वाले ने मुखिया से पूछा क्या तुमने उस साधु को कुछ वैल्यूएबल कुछ कीमती चीज़ें रखने के लिए दी थी मुखिया ने कहा आई हैव कैप्ट ऑल माई वेल्थ विद हिम फॉर सेफ्टी मैंने अपनी सारी संपत्ति उसे सुरक्षित रखने के लिए दी थी ही टोल्ड मी टू हाइड इट अंडर द ट्री नेक्स्ट टू हे सीटिंग प्लेस उसने मुझे कहा था कि अपनी मैं अपनी सारी संपत्ति उस पेड़ के बाजू से दबा दूँ. लेट्स गो एंड फाइंड आउट वेदर योर वेल्थ इज स्टिल देयर चलो देखते हैं कि तुम्हारी संपत्ति अभी भी वहां है या नहीं मुखिया बोला माय फ्रेंड आई डू नॉट सी माय वेल्थ आई एम श्योर द साधु हैज स्टील इट मेरे मित्र मुझे अपनी संपत्ति नजर नहीं आ रही है मुझे पक्का यकीन है कि उस साधु ने उसे चुरा लिया है लेट्स गो एंड कैच हिम द साधु में नॉट है उस विलेजर ने बोला कि साधु ज्यादा दूर नहीं गया होगा चलो उसे पकड़ते हैं फाइनली दे कॉट हेम आखिरकार उन दोनों ने उस साधु को पकड़ लिया टू टीच हेम लेसन दे पनिश्ड हेम देयर बीटिंग सो दैट ही मे नॉट चीट अगेन और उस साधु को सबक सिखाने के लिए वो दोनों उसे जोर से पीटने लगे ताकि वो आगे कभी किसी को धोखा ना दे मॉरल ऑफ द स्टोरी वन शुड नो हु इज़ बोनाफाइड एंड हु इज बोगस तो मॉरल स्टोरी का ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन धोखेबाज साधु है और कौन सही साधु है और सही और धोखेबाज साधु का पता कैसे चलेगा जब हम कं जब हम माला देखते हैं जब हम साधु के सिर पे तिलक देखते हैं उसे सैफरॉन कपड़ों में देखते हैं तो हमें लगता है कि वो साधु है पर ऐसा नहीं है हम साधुओं को उसकी बातों से पहचान सकते हैं सही साधु वो होता है जो हमेशा भगवान के बारे में बात करता है और भगवान की महानता का वर्णन करता है हरे कृष्णा